की बड़ी खबर के साथ भारत पाकिस्तान बातचीत से पहले कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक उन्हें दिल्ली पहुंचने पर पुलिस नजरबंद कर सकती है। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और खबर यह आ रही है कि उन्हें शायद दिल्ली में नजरबंद कर लिया जाए। मौसमी इस वक्त हमारे साथ है। मौसमी, पूरी खबर बताएं। निशान साफ तौर पे पहले से ही सरकारी सूत्र ये कह रहे थे कि किसी भी हालत में हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान एनएसए से मिलने नहीं दिया जाएगा। उसके तहत ये भी कहा गया था कि या तो श्रीनगर में उनको डिटेन किया जाएगा या हाउस अरेस्ट किया जाएगा, और अगर वो एयरपोर्ट आ जाते हैं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट तो वहाँ पे उनको डिटेन किया जा सकता है। अभी हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि साफ तौर पे दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर शब्बीर शाह अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर ही डिटेन कर लिया जाए। एक और चीज, क्या यही अंजाम और हुर्रियत नेताओं के साथ भी होगा, क्या ऐसी खबर भी कुछ आ रही है? देखिए, पहले से ही यासीन मलिक ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद नहीं आएंगे, वो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। मीरवाइज साहब ने कहा है कि वो रिसेप्शन को अटेंड करने आएंगे। तो जो सरकार की रणनीति है वो ये साफ है कि ये द्विपक्षीय वार्ता है, ये तीन पक्षों की वार्ता नहीं है और साफ तौर पे हुर्रियत नेताओं का इसमें कोई स्टेक नहीं बनता, इसलिए पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं जा सकते। और उसके तहत प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे जितने भी नेता अगर दिल्ली पहुंचते हैं तो उनको डिटेन करने के अलावा सरकार के पास और कोई चारा नहीं है। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।